अभी हम लोग आ गए हैं कोलिया भूमुरा दोलंग में। तो आप लोग नजारा देख सकते हैं, मेरा पीछे नजारा देख सकते हैं। तो ये है जो हम लोग है अभी, ये है नया वाला जो ब्रिज है यहाँ का कोलिया भूमुरा का, जो नया वाला ब्रिज है। नया वाला ब्रिज में हम लोग अभी आके खड़ा हो गया और माहौल देख रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर माहौल है। आप लोग तो आप लोग देख सकते हैं उस तरफ, ये पुराना वाला ब्रिज है और ये है आपका नया वाला ब्रिज, आप लोग देख सकते हैं। तो नया वाला ब्रिज कितना अच्छा सुंदर नजारा है, आप लोग चारों तरफ देखिए कितना अच्छा। चलिए हम फिर से आगे बढ़ते हैं और तेजपुर तक चलते हैं, महाभैरव टेम्पल की तरफ। नमस्कार जय अहोमर बंधु सकल, वेलकम टू माय चैनल बिट्टू 5। सो आज हम लोग अभी है हम लोग नौगांव में। तो नौगांव से हम लोग जा रहे हैं तेजपुर तक। तो तेजपुर तक हम लोग क्यों जा रहे हैं? तो तेजपुर तक हम लोग इसीलिए जा रहे हैं कि आज हम लोग जा रहे हैं महाभैरव मंदिर में। तो वहां में हम लोग आज दर्शन करेंगे और मंदिर का पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक रहेगा और आप लोग देखते रहिए और वीडियो में जुड़ा रहिए। तो वेदर भी आज बहुत ही अच्छा है, पूरा एकदम मुझे अच्छा लगता है, मुझे जो पसंद है वही है वेदर। आप लोगों को वीडियो में दिख जाएगा कि कैसा है वेदर, पूरा फॉगी फॉग है। तो अभी थोड़ा धूप निकल आया है तो हेलो गाइस। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं तेजपुर में तेजपुर में पहुंच गए। तो हम लोग अभी तेजपुर पहुंच गए। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, पहुंचने ही वाला है क्या कहाँ पे, कहाँ पे मतलब महाभैरव मंदिर, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, तो पहुंचने वाला है अभी। तो चलिए आप लोग जुड़ा रहिए वीडियो के साथ, एक बार पंकज भाई का देखा दो, पंकज भाई। तो चलिए हम लोग चलते हैं और आगे देखते रहिए आप। तो आप लोग देख सकते हैं कि महाभैरव मंदिर में आ गया, ये आप लोग देख सकते हैं कि मेन गेट, तो मेन गेट पहुंच गए हम लोग। तो वेदर भी बहुत ही अच्छा है और ये है मेन गेट। तो चलिए थोड़ा अंदर तक चलते हैं हम लोग अभी। तो हर हर महादेव, जय महाकाल। तो अभी हम लोग भैरव, महाभैरव मंदिर का दर्शन हो गया जो तेजपुर में है, दर्शन हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे माहौल, और जैसे कि आप लोगों को बोल रहा हूँ कि दर्शन हो गया मेरा, अंदर में वीडियो फोटो खींचना मना है। और आप लोगों को तो माहौल देख सकते हैं एक बार इस तरफ, तो ऐसा है माहौल। तो मंदिर में आइए, तो साल में जो शिवलिंग का आकार है, तो आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, यहाँ पता नहीं चलता, लेकिन लोग कहते हैं वही है, विश्वास में ही शक्ति है, शक्ति में ही विश्वास है, तो यही है। तो आप लोग आइए, बहुत ही सुंदर माहौल है यहाँ पे, पूरा साफ सुथरा है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में भी आप लोगों को दिख जाएगा, पूरा हाइट में भी आप लोगों को दिख जाएगा कि साफ सुथरा बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। आप लोगों का जो हाथ पे धोने का वो भी है, ऐसा सामान आप लोगों को नहीं मिल रहा होगा यहाँ पे, दिखाई नहीं दे रहा होगा कि कोई प्लास्टिक हो कुछ भी हो, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो आप लोग ज़रूर आइए इस मंदिर में, तेजपुर में, आप लोग गूगल मैप में सर्च कर लीजिएगा और रास्ता तो पूरा दिखाई दिया आप लोगों को, पूरा इन्फॉर्मेशन। तो आप लोग आइएगा ज़रूर और एक सुकून मिलेगा बाबा का दर्शन करके, मन का एक सुकून। ये थोड़ा बात करते, थोड़ा कोशिश करते मन का बात सुनने के लिए। एक्सक्यूज मी, आप लोग असम से? यूपी से। तो आप लोग दर्शन करने के लिए कैसा लगा यहाँ पर? बहुत ही अच्छा लगा दर्शन। तो अभी आप लोगों का प्लानिंग मतलब आप लोग यूपी से मतलब यहीं में ही दर्शन करने के लिए आए या कोई मतलब? नहीं, मेरा जॉब है। अच्छा, आपका जॉब है, आप यहीं पे रहते हैं? तो बहुत ही अच्छा लगा आपको यहाँ पे रेगुलर आते हैं आप लोग? तो मतलब यहाँ पे साफ सुथरा भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, तो बहुत ही अच्छा माहौल है। तो आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? यूपी से है हम लोगों का पूजा और बाकी, तो इस मंदिर के बारे में कोई भी अगर असम में आ रहा है महाभैरव मंदिर आना चाहिए, बनाना चाहिए, बहुत ही अच्छा सुंदर मंदिर है। बहुत ही ऐसा मतलब तेजपुर में ऐसा बहुत ही मतलब
देखने को बहुत ही सारा जगह है मतलब पीसफुल, लेकिन महाभैरव मंदिर में एक सुकून मिलता है, तो इसलिए इन लोगों से बात करके भी अच्छा लगा। तो आप लोग जरूर आइए इस मंदिर में तेजपुर आने से। तो यही है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट मंदिर के साथ और नेक्स्ट सुकून और शांति के साथ। जय हो।